हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीआई एमआर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2021 के प्रिपरेशन कैसे तुम कर सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल से वीडियो होने वाले, कैसे तुम्हें पढ़ना है, कौन सी बुक से तुम्हें पढ़ना है, सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए तुम्हारी पढ़ने की पीजीआई एमआर के लिए। तो सबसे पहले मैं दो तीन चीज़ तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर तुम पीजीआई एमआर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें प्रिपरेशन करना होगा, सबसे पहले तुम प्रिपेयर होने चाहिए मेंटली एंड फिजिकली। मेंटली तुम प्रिपेयर होने चाहिए कि तुम जो है क्रैक कर सकते हो पीजीआई एमआर एंट्रेंस एग्ज़ाम को, बेटर रैंक से क्रैक कर सकते हो, अच्छी रैंक तुम्हारी आ सकती है एंड आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम इस बात को लेकर दिमाग में रखोगे हर टाइम और इसको लेकर पढ़ाई करोगे तो 100% तुम क्लियर कर जाओगे। ये माइंड में कभी मत रखना कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, तुमसे भी हो सकता है, कोई भी क्लियर कर सकता है। सेकेंड थिंग, फिजिकली तुम्हें जो है अपने आप को प्रिपेयर रखना है फॉर हार्डवर्क, तुम्हें हार्डवर्क करना है, बिकॉज हार्डवर्क जो है उसी से सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। विदाउट हार्डवर्क कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग क्या है कि थिंग्स को जो तुम्हें बिल्कुल ईजिली लेना है, बर्डन में नहीं लेना है, ठीक है। ईजिली का मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ईजिली लेना है मतलब बर्डन से नहीं लेना है कि होगा नहीं होगा, ज़्यादा थिंकिंग नहीं रखनी है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, होगा नहीं होगा सिलेक्शन। तो इन चीज़ों को पहले तुम्हें दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। बिल्कुल कूल माइंड से तुम्हें स्टडी करनी होगी। सेकंड थिंग जो है, तुम्हें मच हार्डवर्क यहाँ पर करना होगा, पढ़ाई तुम्हें करनी होगी एक ऑप्टिमम 6 से 8 आवर्स की तुम्हें स्टडी अभी करनी होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट जो है 2 मंथ्स के बाद यहाँ पर, अगर इतने हावर्स की पढ़ाई अभी तुम नहीं करोगे तो एग्ज़ाम जो है श्योरली मैं बोल सकती हूँ कि क्रैक होने में बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी लास्ट टाइम में। तो अभी से जो है श्योरिटी रखो कि तुम 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करो, एंड वो 6 से 8 घंटे जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो भी इफ़ेक्टिवली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई तो कर रहे हो बट यहाँ पर एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं है। एफिशिएंसी मच जितनी ज़्यादा तुम एफिशिएंसी ले सकते हो उतनी तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। और अलोंग विद डैट तुम्हारी जो है अभी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगी उतनी यहाँ पर हेल्प करने वाली, बाकी अभी डिस्कस करेंगे वीडियो में कैसे क्या तुम्हें करना है। तो पीजीआईएमआर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए यहाँ पर जो है उस यहाँ पर स्पेशल है नीट का जो है जो सेम टू सेम सिलेबस है वो यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज से तुमसे पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट हम हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दो पीसीबी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तुम्हें कौन सी बुक स्टडी करनी है, ठीक है। सिर्फ स्टडी की हम बात करें तो स्टडी तुम्हें एनसीईआरटी करनी है। बच्चे पूछते रहते कि क्या बुक पढ़े, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से ही सब कुछ क्लियर होगा। एनसीईआरटी से जो है मच तुम जितना ज़्यादा एनसीईआरटी का रिविज़न कर सकते हो उतना रिविज़न करो। पढ़ने से कुछ नहीं होता, होता है प्रैक्टिस से। तुम एनसीईआरटी पढ़ो बट तुम प्रैक्टिस करो। बच्चे सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं कॉम्पिटेटिव कि अभी नई नई बुक जो आएंगी वो परचेज करेंगे फिर उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। एक स्पेसिफिक थिंग्स पे फोकस करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी तुमने पढ़ भी रखी है एंड उनका जो है रिविज़न करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। एनसीईआरटी जितनी बार तुम पढ़ो उतनी बार जो है तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 3 बार जो है तुम्हें सिलेबस करना होगा। अगर तुम इतनी बार का सिलेबस करोगे तभी जाकर जो है एग्जाम में एक तुम्हारा पर्टिकुलर लेवल सेट होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ने के लिए ज़्यादा बुक्स परचेज मत करो। एनसीईआरटी मत सफिशियंट, एनसीईआरटी से ही सब कुछ हो जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए करो, ठीक है। प्रैक्टिस देखो कि तुम अच्छी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि तुम्हें इसी बुक से करनी चाहिए उसी बुक से करनी चाहिए। मार्केट में इतनी बुक अवेलेबल है, किसी से भी कर सकते हो, बट टॉपिक तुम्हें जो है क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस से ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ये मत सोचना कि थ्योरी से सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो मच जितनी ज़्यादा जो है तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करो, एनसीईआरटी से रीडिंग करो एंड कम्पिटेटिव मेडिकल कम्पिटेटिव जो बुक्स हैं उनसे जो है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक तुम्हारे कोई इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हो सकते हैं या फिर तुम्हारी कोई बुक हो सकती है जिनमें जो है
पर्टिकुलर चैप्टर अकॉर्डिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो है तुम्हें लाइक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने होंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं आएगा थ्योरी यहाँ पर कि 10 नंबर का क्वेश्चन लिख दो, 5 नंबर का क्वेश्चन लिख दो, कोई नहीं पूछने वाला, एमसीक्यूज आने वाले, तो तुम्हें एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इज बेसिक जो है एनसीईआरटी बुक से 101% क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल, एनसीईआरटी ही पढ़ना है एंड बेसिक अपना क्लियर कर लेना है, एंड यहाँ पर जो है तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सिलेबस अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैंने स्टोरी में हाइलाइट्स में ऐड कर रखा है सिलेबस, वहाँ से सिलेबस ले सकते हो। तो तुम्हारे पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू PGIMR 11th एंड 12th के। यहाँ पर जो है उन्हीं पर तुम्हें फोकस करना है, बिकॉज वहीं यहाँ पर जो है तुमसे पूछे जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तुम्हें, जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हें सभी चीज़ों को क्लियरली सेट कर लेना है एग्जाम्स के लिए, कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को बाद में पढ़ना है, ठीक है। तुम PCB को पहले पढ़ना चाहते हो, GK वगैरह को साइड में रखना चाहते हो, या फिर PCB में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट जो है पहले पढ़ना है, वही सब्जेक्ट पहले पढ़ो जिसमें तुम्हारी अच्छी ग्रिप हो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, ठीक है। कुछ जल्दी जल्दी तुम उस सब्जेक्ट को फिनिश कर लोगे, तभी जाकर जो है तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आओगे। अगर तुम पहले टफ सब्जेक्ट में, टफ चैप्टर में अटक जाओगे, तो तुम्हारे आगे लाइक कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि तुम आगे प्रिपरेशन कर लो। तो GK के लिए यहाँ पर एवरीडे तुम्हें अपडेटेड रहना है, ठीक है। रियली जो है लाइक तुम्हें GK के लिए तुम कोई वीडियोस देख सकते हो YouTube पे कि टुडे यहाँ पर, या फिर दिस मंथ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट तुम देख सकते हो, या फिर कोई बुक्स वगैरह भी प्रेफर कर सकते हो जो कि आती हैं GK के लिए स्पेसिफिक। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी तुम जो है GK के लिए एक नई बुक परचेज करो, पैसे वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें जो है यहाँ पर YouTube पे ही काफ़ी ज़्यादा जो है मिल जाएंगे चैनल्स ऐसे जो डेली यहाँ पर करंट अफेयर करा रहे हैं, GK करा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर क्वेश्चंस वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो तुम्हें करा रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें जो है PGIMR के लिए GK सर्च करनी है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कोई भी नहीं करा रहा होगा। तुम्हें सिर्फ GK एंड करंट अफेयर सर्च करनी है। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स तुम्हें मिल जाएंगे जो कि करा रहे हैं, अलोंग विद दैट गूगल पे भी तुम्हें मिल जाएंगे जो कि GK एंड करंट अफेयर करा रहे हैं। तो डेली एक वीडियो जो है तुम्हें GK करंट अफेयर की यहाँ पर देख लेनी है। और अगर तुम कुछ भी यहाँ पर लाइक ठीक ठाक लेवल तक भी थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लोगे GK एंड करंट अफेयर को, तो डेली में जो यहाँ पर करंट में टॉपिक रहते हैं ऑलमोस्ट वही यहाँ पर जो है तुमसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एवरीडे की न्यूज़ में जो रहते हैं टॉपिक, हाईलाइट्स जो रहते हैं वही तुमसे पूछे जाते हैं। इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है GK और करंट अफेयर को यहाँ पर प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। NPCB के लिए तुम्हें NCERT पढ़नी होगी, ठीक है। एंड अभी हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग की इंग्लिश। तो इंग्लिश जो रहने वाली है, इंग्लिश वेरी यहाँ पर इजी मैं बोलूँगी, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं रहती है। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी ग्रामर की, एंड ज़्यादा इस पर इंग्लिश पर आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ज़्यादा इसके लिए वरी करने की ज़रूरत है। तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है ग्रामर को, ठीक है। ग्रामर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस करने के लिए जो है तुम लाइक बुक भी प्रिफर कर सकते हो, वोकैब से भी कर सकते हो। बट जो है तुम्हें अगर लाइक तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें पर्टिकुलर टीचर ही चाहिए जो कि इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर थाउजेंड्स ऑफ टीचर यहाँ पर यूट्यूब पर ही सिखा रहे हैं। उनकी कोई भी एक वीडियो तुम्हें रोज़ देख लेनी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट तुम्हें ओपन कर लेना है, एंड एक वीडियो तुम रोज़ देख लोगे तो 100% इंग्लिश ग्रामर की भी तुम्हारे यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। तो ईजिली समराइज कर देती हूँ मैं वीडियो को। तो सबसे पहले तुम्हें एग्जाम पैटर्न के बारे में एक अच्छा सा लाइक पता होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, एंड तुम्हें जो है एक टाइम टेबल सेट करना होगा अपना, दैट इज हैज़ टू बी फॉलोड बाई यू, जो तुमसे फॉलो हो सकता है एंड जो तुम फॉलो करोगे वही सेट करना, किसी दूसरे का टाइम टेबल नहीं कि मैं 12 घंटे 18 घंटे पढ़ूंगा 16 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वही टाइम टेबल सेट करो जो तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम टेबल सेट कर लेना 6 to 8 आवर्स का, इतने आवर्स मोर देन एनफ है, ठीक है। इतने भी पढ़ लोगे तो 100% सिलेक्शन है, ठीक है। और बेसिक्स जो है तुम्हें 100% कर लेने NCERT से, एंड इजिली स्कोरेबल टॉपिक्स पर तुम्हें जो
है ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। एंड जो भी तुम्हें सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं, जो भी चैप्टर्स तुम्हें ईजी लगते हैं, उन्हें तुम्हें पहले करना है एंड एज अर्ली एज पॉसिबल तुम्हें जो है स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि मैं कल से करूँगी, परसों से करूँगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट तुम कॉम्पिटेटिव बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है अपने आप को बार बार इवेलुएट करते रहना। इवेलुएट मतलब कि जैसे कि तुम 3-4 दिन पढ़ रहे हो तो एक बार रिवीजन कर लेना है उसका। एंड यहाँ पर रिवीजन में भी लाइक ऐसा नहीं कि तुम फिर से याद कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने जो कलीग्स हैं या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली में जो भी तुम्हारे ब्रदर सिस्टर, उनसे जो है तुम्हें अपना एक सेल्फ टेस्ट तुम करा सकते हो। सो नॉट सेल्फ टेस्ट, तुम अपना एक टेस्ट करा सकते हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने किया, पर्टिकुलर चैप्टर मैंने किया, इसमें से तुम मुझसे लाइक क्वेश्चनिंग कर सकते हो, या फिर जो है तुम सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। खुद ही यहाँ पर तुम अपना टेस्ट ले रहे हो तो वो भी तुम कर सकते हो। बट तुम्हें जो है ये रहना चाहिए कि तुम आगे आगे बढ़ते चले जाओ, बट पीछे का तुम्हें क्लियर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आगे जा रहे सिलेबस में बट पीछे का जो है बिल्कुल साफ हो जा रहा है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। बार बार इवेलुएट करते रहना है एंड जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स लगे या फिर जहाँ पर भी तुम्हें वीकनेस लगे, तुम्हें बार बार रिविजन करते चलना है। अगर सभी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ लेके चलोगे रिवीजन को भी, तो यहाँ पर इजी होगा। बाकी जो है तुम अपनी स्ट्रेटजी से भी कर सकते हो। और जो है रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ तुम्हें रखना चाहिए, ठीक है। एक महीने पहले जो है तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। ए मतलब एक बार जो है सिलेबस तुम्हें कंप्लीट 1 मंथ में कर लेना है, देन ही जाकर तुम्हारा रिवीजन हो पाएगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजीज तो जो हमने डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर।